हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो शिक्षा। ये लेक्चर टारगेट करेगा सीएसए, नेट, सेट, गेट एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने लिंकिंग नंबर किया था, आज हम करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स इंट्रोडक्शन। सिर्फ आज इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। जब हम प्रोकैरियोट्स की रेप्लिकेशन करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस जो है प्रोसीजर फॉलो होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डीएनए रेप्लिकेशन है क्या। तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का रेप्लिका अगर हम किसी भी चीज का रेप्लिका जो है इसको बोलते हैं हम रेप्लिकेशन। कॉपी किसी भी चीज की, एक ओरिजिनल कॉपी होती है और उसकी हम फोटो कॉपी कराते हैं, बस इसी तरीके से होता है डीएनए रेप्लिकेशन भी। तो जब हम किसी भी चीज को रेप्लीकेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेप्लीकेशन। लाइक यहाँ पे हम क्या डीएनए को रेप्लीकेट कर रहे हैं। सो द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल रेप्लिकास ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। एक हमारे पास ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल होगा जिसे हम बोलेंगे पेरेंटल मॉलिक्यूल, और उनमें से हम दो, एक डीएनए के हम दो डॉटर स्ट्रैंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, दो डॉटर स्ट्रैंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। सो रेप्लिकेशन प्रोसेस रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर डुप्लीकेशन। तो हमें पता है डीएनए जो है मोस्टली हम लोग स्टडी करते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए की। तो ये है हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो जब रेप्लिकेशन होती है तो ये डीएनए सबसे पहले क्या होगा, एक पॉइंट होगा जहां पे ये अनवाइंड करेगा, जहां से अनवाइंडिंग होगी इस डीएनए की। तो जैसे यहां से इस तरीके से अनवाइंड हो गया, तो जब डीएनए अनवाइंड होगा तो अब ये वाला जो स्ट्रैंड है डीएनए का और ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड ही टेम्पलेट का काम करेंगे। तो यहां पर भी डीएनए बनेगा और यहां पर भी डीएनए बनेगा, यहाँ पे भी डॉटर स्टैंड बनेगा, यहाँ पे भी डॉटर स्टैंड। सो रेप्लिकेशन प्रोसेस रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट कि हर एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो टेम्पलेट की तरह, टेम्पलेट वो स्ट्रैंड होता है डीएनए का जिसे कॉपी किया जा रहा है, जिसे कॉपी करके डॉटर स्टैंड जिससे बन रहा है उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट, टेम्पलेट स्ट्रैंड। डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट्स एट स्पेसिफिक पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी डीएनए के रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी और उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर ओराए, शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं ओराए। तो सपोज यहाँ पे ये पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा, तो यहां से अनवाइंडिंग डीएनए की होगी, हेलिकेज बाइंड करेगा, अनवाइंडिंग होगी डीएनए की। तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं ओराए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया है। एन एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज बिगिंस रेप्लिकेटिंग द डीएनए बाय मैचिंग बेसिस टू द ओरिजिनल स्ट्रैंड। तो हेलिकेज एंजाइम अनवाइंडिंग करेगा डीएनए की, और डीएनए की कॉपी कौन बनाएगा, मतलब डीएनए में जो डॉटर स्ट्रैंड है उसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे एक एक करके, तो वो जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो कौन ऐड करेगा, वो ऐड करेगा डीएनए पॉलीमरेज। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डीएनए पॉलीमरेज को ही डिटेल में करेंगे कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज हेल्प करते हैं रेप्लिकेशन में। तो डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है, सपोज ये ओरिजिनल स्ट्रैंड है डीएनए का, तो ये ओरिजिनल स्टैंड है और इसकी हमें क्या करनी है, कॉपी करनी है। तो कॉपी जब होगी तो यहाँ पे जो एक एक करके जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा वो डीएनए पॉलीमरेज करेगा। डीएनए पॉलीमरेज थ्री पर्टिकुलरली जो होता है वो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एक एक करके ऐड करता है बेसिस को मैच करके। सपोज यहाँ पे ए है, यहाँ जी है, यहाँ सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी, यहाँ सी या जी। तो ये जो एडिशन है थायमिन की, साइटोसिन की, ग्वानिन की, ये एडिशन कौन करवाता है, ये एडिशन करवाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज। सो सेल साइकिल में
एक एम फेज होता है जिसको हम माइटोसिस फेज बोलते हैं और एक होगा हमारा इंटरफेज। तो इंटरफेज में थ्री फेजेस आते हैं, एक होता है G1 फेज, एक होता है S फेज और एक होता है G2 फेज। तो जो रेप्लिकेशन है वो पर्टिकुलरली S फेज में होती है। S फेज को हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, S फेज को सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। और S फेज जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेशन होगी और कुछ S फेज में नहीं होता, सिर्फ रेप्लिकेशन होती है DNA की। तो पर्टिकुलरली जो DNA रेप्लिकेशन है दैट अकर्स ड्यूरिंग द S स्टेज ऑफ इंटरफेज। DNA सिंथेसिस प्रोसीड्स इन 5' to 3' डायरेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि DNA की जो सिंथेसिस है, जो नया स्ट्रैंड DNA का बनता है, वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में बनता है। सो नेक्स्ट है एसर्शिया कोलाई। एसर्शिया कोलाई बैक्टीरिया है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई भी बोलते हैं। तो मोस्टली जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं? प्रोकैरियोट्स में आते हैं बैक्टीरियाज। तो जब भी हम बैक्टीरियाज की बात करते हैं तो जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है वो हमारा ई कोलाई, हमेशा ई कोलाई पे स्टडी की जाती है जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। सो एसर्शिया कोलाई जो है ये मोटाइल है। मोटाइल मतलब ये मूव कर सकता है, मूवमेंट शो कर सकता है। और इसकी जो मोटिलिटी है वो किसकी वजह से है? वो फ्लैजेला की वजह से है। मोटिलिटी इज बिकॉज ऑफ फ्लैजेला। तो ये जो है यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये क्या है? इस बैक्टीरिया के, ये एसर्शिया कोलाई है, इस बैक्टीरिया के ये फ्लैजेला है जिसकी वजह से ये मूव कर पा रहा है। इसके अलावा ई कोलाई का जो स्ट्रेन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में है, बैक्टीरिया है। रेप्लिकेशन टाइम 42 मिनट्स है। तो रेप्लिकेट करने का टाइम कितना है? 42 मिनट्स लगते हैं इसे रेप्लिकेट होने में। साइज ऑफ जीनोम क्या है? जीनोम का साइज क्या है? 4.6 × 10⁶ बेस पेयर इसका जीनोम का साइज है। और जनरेशन टाइम है 20 मिनट्स। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट सी चीज हो गई कि रेप्लिकेशन टाइम 42 मिनट्स है तो जनरेशन टाइम 20 मिनट्स कैसे हुआ। तो ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम डीएनए रेप्लिकेशन को हम डिटेल में करेंगे, एक एक स्टेप जब डीएनए रेप्लिकेशन का करेंगे, किस तरीके से कैसे एंजाइम हेल्प करते हैं, किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट करता है। इसके अलावा ई कोलाई का जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सर्कुलर है। तो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है मोस्टली, एंड जो यूकैरियोट्स हैं उनका जो डीएनए होता है वो हमेशा ऐसा लीनियर होता है, और बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है वो मोस्टली सर्कुलर होता है। इसके अलावा नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड है। सो नेगेटिवली पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड ये हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और तब भी हमने ये वहाँ पे डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड मिलते हैं हमें नेचर में। तो ई कोलाई भी नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड है। तो यहाँ हम एक सब जनरल व्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी कि किस तरीके से एंजाइम्स हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, यहाँ सिर्फ हम एक जनरल व्यू देख लेते हैं किस तरीके से रेप्लिकेशन होती है। तो बैक्टीरिया का ही मैं बना रही हूँ प्रोकैरियोट्स का, तो ये उसका डबल स्टैंडर्ड, सपोज ई कोलाई का डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, और उसमें ये जो है ये पोर्शन है इसका ओराई जहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू होगी। तो ये जो पोर्शन है इसका ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो इसी एरिया से क्या होगा? अनवाइंडिंग जो है डीएनए की वो शुरू होगी। तो इसे मैं ब्लैक कलर से शो कर रही हूँ, जो नया वाला डीएनए बन रहा है, जो डॉटर स्ट्रैंड्स बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रेप्लिकेशन हो गई। तो ये जो है ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स है दोनों, और ये दोनों जो है ये डॉटर स्ट्रैंड्स है। तो पेरेंटल स्ट्रैंड किस तरीके से एक्ट करते हैं? एज अ टेम्पलेट। और ये क्या है? डॉटर स्ट्रैंड है।
यहाँ पे और डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो और ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब और ज्यादा जो है रेप्लिकेशन, यहाँ पे इलोंगेशन हो गई और रेप्लिकेशन आगे तक हो गई है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे और इलोंगेट हो गई है। अब क्या होगा जब एक पॉइंट, जैसे ओरिजिन का होगा कि एक जगह जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होती है, तो एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन रुकती है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनस पॉइंट। तो वहां पे जब वो पॉइंट आ गया, सपोज ये एक टर्मिनस पॉइंट है, तो जब टर्मिनस पॉइंट आएगा तो डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगी, एक डीएनए मॉलिक्यूल से अब दो डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें टू सर्कुलर, यहाँ पे हमें टू सर्कुलर डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल मिल गया, टू सर्कुलर डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये एक जनरल ओवरव्यू था किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होगा बैक्टीरिया के अंदर। तो एक बात हमने क्या करी है, एक बात हमने किया कि जो डीएनए की सिंथेसिस है, जो डीएनए की सिंथेसिस होती है, ये 5' to 3' डायरेक्शन होती है। ठीक है, मतलब अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो डीएनए हमेशा इस तरीके से प्रेजेंट होता है, सपोज ये 5' to 3' डायरेक्शन है और ये 3' डबल स्टैंडर्ड डीएनए है 5' to 3' डायरेक्शन में, क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 5' की क्या होगा यहाँ पे 3', और इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 5'। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो हमेशा सिंथेसिस कौन से डायरेक्शन में होगी, 5' to 3'। तो यहां से सिंथेसिस शुरू होगी हमेशा, इस स्ट्रैंड की यहां से होगी, बिकॉज यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा 5', और यहां पे आ जाएगा 3', और इसकी यहां पे होगी, यहां से होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए की जो सिंथेसिस है वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होगी। और जब हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर, स्पेशली जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया में ये जो ओराए है यहाँ पे हमें सिंगल, एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। अब ये जो सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इसे हम बोलते हैं मोनो रेप्लिकोनिक। मोनो मीन्स सिंगल, तो इसको हम बोल सकते हैं मोनो रेप्लिकोनिक, कि हमें बैक्टीरिया में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। यूकैरियोट्स में हमें मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, लेकिन बैक्टीरिया में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे बोलते हैं मोनो रेप्लिकोनिक। तो रेप्लिकॉन क्या होता है, रेप्लिकॉन होता है यूनिट ऑफ डीएनए। सो रेप्लिकॉन वो एरिया है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा, जहां से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा और फिर टर्मिनेट होगा, शुरू होकर टर्मिनेट होगा। ये पूरा का पूरा रीजन जो होता है ये रेप्लिकॉन होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर हमें सिर्फ एक रेप्लिकॉन देखने को मिलता है। सो आगे आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। इन क्रोमोसोम्स देयर इज यूजुअली वन यूनिक ओरिजिन पर क्रोमोसोम। तो एक यूनिक ओरिजिन है, मतलब एक ओराए प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स के अंदर। The replicon is a unit of genome in which DNA is replicated. तो replicon वो unit है genome का जहाँ DNA replicate करेगा। The replicon initiates and complete synthesis once per cell cycle. तो हम बोल सकते हैं कि जो bacteria का जो genome है वो क्या है, यहाँ पे mono replicónic है। Most प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम कंटेन सिंगल रेप्लिकॉन। ज्यादातर जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हैं उनमें सिंगल रेप्लिकॉन है। द सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड ओराएसी। ओराएसी इज 245 न्यूक्लियोटाइड पेयर लॉन्ग एंड कंटेन टू डिफरेंट कंजर्व्ड रिपीट सीक्वेंस। तो एक जो ओराएसी है ये अप्रोक्सीमेटली 245 न्यूक्लियोटाइड पेयर लॉन्ग है और इसमें दो कंजर्व्ड सीक्वेंस, रिपीट सीक्वेंस प्रेजेंट है। कंजर्व्ड सीक्वेंस वो होते हैं जो अनचेंज्ड सीक्वेंस रहे डिफरेंट स्पीशीज में या सेम स्पीशीज में, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो सीक्वेंस सेम रहते हैं स्पीशीज में, इन्हें बोलते हैं कंजर्व्ड सीक्वेंसेस। सो
ओआरआईसी में जो दो कंजर्व्ड सीक्वेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं? वो है 13 मर सीक्वेंस एंड 9 मर सीक्वेंस। 13 मर सीक्वेंस का मतलब है कि ये सीक्वेंस 13 बेस पेयर का बना हुआ, ठीक है, और 9 मर का मतलब है ये सीक्वेंस 9 बेस पेयर का बना हुआ। 13 मर सीक्वेंस में 3 टेंडम रिपीट्स है और 9 मर सीक्वेंस में 4 टेंडम रिपीट्स है। 13 मर सीक्वेंस जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो 13 मर सीक्वेंस है ये 80 बेस पेयर पे रिच है, मतलब इसमें ज्यादातर जितने भी बेस पेयर्स हैं वो एडेनिन और थायमिन के बने हुए हैं। सो हमें पता है कि एडेनिन और थायमिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो जब हमें डीएनए को अनवाइंड करते हैं, मतलब जब हेलिकेस एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करते हैं रेप्लिकेशन करने के लिए, तो हमें ये जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उन्हें ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे क्या है, तो ये हाइड्रोजन इनके बीच में ये क्या होंगे, इनके बीच में ये होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इन्हें इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ता है जब डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट किया। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना। इसीलिए जब हम 13 मर सीक्वेंस की बात करते हैं तो ये वो एरिया है डीएनए का बैक्टीरिया के अंदर जहां पे हेलिकेज आके बाइंड करेगा और डीएनए की अनबाइंडिंग करेगा। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये ऐसा होना चाहिए कि इजिली ये ब्रेक हो सके, इजिली ये सेपरेट हो सके। इसीलिए ये ज्यादातर हमें 80 बेस पेयर से बना हुआ मिलेगा, ना कि जीसी बेस पेयर से। ज्यादातर सीक्वेंस यहाँ पे 80 रिच बेस पेयर होंगे ताकि ये इजिली सेपरेट हो सके। 9 मर सीक्वेंस वो एरिया है डीएनए का जहां पे कुछ प्रोटीन्स आके बाइंड करते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स यहाँ पे आके बाइंड करते हैं इन्हें हम बोलते हैं डना ए प्रोटीन। डना ए प्रोटीन जब इन 9 मर सीक्वेंसेस पे बाइंड करते हैं यहाँ पे स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेन प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, ये डीएनए को लूप कर देगा और लूपिंग होने की वजह से हेलिकेज जो है वो 13 मर सीक्वेंस पे बाइंड करके उसकी अनबाइंडिंग करेगा। तो इस डायग्राम में, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन पोर्शन शो हुआ है ये 13 मर सीक्वेंस है। 13 मर सीक्वेंस में 3 टेंडम रिपीट्स थे, तो यहाँ पे हमें 3 टेंडम रिपीट देखने को मिल रहे हैं और ये जो एरिया है ये 9 मर सीक्वेंस का एरिया, ये जितना भी एरिया है ये 9 मर सीक्वेंस का एरिया जहाँ पे डना ए प्रोटीन, तो ये डना ए प्रोटीन जो है वो इन एरियाज में बाइंड करेगा। एंड ये 13 मर सीक्वेंस है जो कि 80 रिच है, तो ये यहाँ पे इसकी कॉन्सेंसस सीक्वेंस शो किए हुए हैं। कॉन्सेंसस सीक्वेंस का मतलब है वो सीक्वेंस जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कौन से सीक्वेंस ज्यादातर हमें देखने को मिल रहे हैं वो है 80 रिच। यहाँ पे ज्यादातर हमें 80 रिच सीक्वेंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो है ये 80 रिच सीक्वेंस है। तो 80 रिच सीक्वेंस इसलिए देखने को मिलते हैं ताकि जो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ए और टी में जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इजिली ब्रेक होते हैं एज कम्पेयर टू जी एंड सी जिसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो। तो ये 13 मर सीक्वेंस है और ये 9 मर सीक्वेंस, यहाँ पे कुछ डना ए प्रोटीन जो है वो बाइंड करता है। तो जब डना ए प्रोटीन बाइंड करता है तो इस तरीके से कुछ ये डना ए प्रोटीन बाइंड है। डना ए प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से क्या हुआ, डीएनए जो है वो यहाँ पे डना ए प्रोटीन जब बाइंड करेगा डीएनए में लूपिंग हो जाएगी। अब लूपिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, तो लूपिंग होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ से जो डीएनए है वो ओपन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, वो 13 मर का सीक्वेंस जहाँ पे डीएनए जो है वो हेलिकेज बाइंड होने के बाद डीएनए जहां से ओपन हो गया। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम करेंगे कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।